27 नवंबर 2023 आज का दिन कैसा होगा, आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए बता दें, चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा जिससे आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। बाजार की स्थिति को देखते हुए व्यवसाय में स्थिति को अनुकूल बनाने के प्रयासों में आप सफल रहेंगे। जो प्रयास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा जिसके कारण खर्चे बढ़ेंगे। ध्यान से व्यापारियों को नया निवेश करने से बचना होगा। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो सलाह लेने या पूरी तरह रिसर्च करने के बाद ही ऐसा करने पर विचार करें। आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। खिलाड़ियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रोटीन और आहार का उचित ध्यान दें। परिवार में किसी के कारण तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी और प्रेम की भावनाओं से बचना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। विद्यार्थियों और कलाकारों को अपने अपने क्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो आप अपने परिवार वालों के साथ जमीन या संपत्ति खरीदने की यदि कोई योजना बना रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से सोच विचार लें। परीक्षा परिणाम पक्ष में आने से प्रतियोगी छात्रों को खुशी महसूस होगी। कार्यस्थल पर काम के प्रति आपके समर्पण को देखते हुए आपकी सैलरी बढ़ सकती है। सामाजिक एवं राजनीतिक आपके लंबित कार्य इस समय गति नहीं पकड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी पूरे हो जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो सोमवार को परिवार में धार्मिक कार्यक्रम का माहौल रहेगा। प्यार और जीवन साथी की बातों को समझने से रिश्ते मजबूत होंगे। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत से की गई सफलता मिलेगी। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम होगी। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो चंद्रमा नवम भाव में रहेगा जिससे आपके अच्छे कार्य से भाग्य चमकेगा। साझेदारी व्यवसाय से जुड़े किसी मामले में आपको विजयश्री मिलेगी। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कार्यस्थल पर आपको सभी का सहयोग मिलेगा जिससे आपके काम में गति आएगी। सामाजिक स्तर पर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको परिणाम भुगतना होगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में दिन रोमांच और रोमांच से भरा होगा। विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा जिसके कारण ददियाल को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में लापरवाही से लिए गए फैसलों के कारण आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खान पान को लेकर कोई भी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर आप किसी तरह की समस्या में फंस सकते हैं। सामाजिक स्तर पर समय आपके पक्ष में नहीं रहेगा। वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो आज चंद्रमा सप्तम भाव में रहेगा जिससे व्यापार में नए उत्पादों से लाभ मिलेगा। बिजनेस के लिए समय अनुकूल रहेगा और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। दफ्तर में काम कर रहे जातकों के बोझ और दबाव के कारण आपका मन नौकरी बदलने का हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी काम को धरातल पर लाने की कोशिश में आप सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो चंद्रमा आज छठे भाव में रहेगा जिससे पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। बिजनेस में सरकार द्वारा किए गए बदलावों को देखकर आप भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर किसी खास व्यक्ति द्वारा आपके काम की तारीफ हो सकती है। आपको अहंकार को किनारे रखना होगा जिससे आप घर बना सके। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको अपने कार्यों की प्रशंसा सुनने को मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए बात करें तो चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा जिससे संतान सुख मिलेगा। बिजनेस में आपको एक बेहतर टीम की जरूरत पड़ेगी जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगी और आपके बिजनेस का ग्राफ बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम में लगे रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही करें। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा जिसके कारण घर के नवीनीकरण में दिक्कतें आएंगी। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि इस विचार को स्थगित कर दें और अपने पुराने व्यवसाय पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर अपनी क्षमताओं से सुधार करने में सक्षम होंगे। इसका सही उपयोग करके आप आगे बढ़ेंगे। आज आप पाचन की समस्या से परेशान रहेंगे। खान पान का ध्यान रखें। परिवार में गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। लव और लाइफ पार्टनर आपकी किसी हरकत से नाराज हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा जिसके कारण आपको मित्रों से मदद लेनी होगी।
परिधा और गज केसरी योग बनने से आपको बिजनेस में नए ऑर्डर मिलने से लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं जो कुछ हद तक आपके लिए बेहतर साबित होंगे। खिलाड़ी मांसपेशियों में दर्द की समस्या से परेशान रहेंगे। पारिवारिक सहयोग आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार के बिना इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला है। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा, जिससे नैतिक मूल्यों का आशीर्वाद मिलेगा। साझेदारी व्यवसाय में आपको किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल पर चुगली और राजनीति से दूर बनाए रखें। सामाजिक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक सहयोग मिलने में आपके काम में गति आएगी। प्यार और जीवन साथी के साथ मौज मस्ती में दिन बीतेगा। यदि छात्रों को सफल होना है तो उन्हें अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखनी होगी। कछुआ खरगोश के सोने के कारण नहीं जीता, बल्कि उसने दौड़ इसलिए जीती क्योंकि वो निरंतरता के साथ दौड़ रहा था। ऐसे ही अपना रोज का राशि फल जानने के लिए सब्सक्राइब करें समय डिजिटल को। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।